बॉन्ड बनाने की क्षमता रख पाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये हमने एक एटम ले लिया, ये हमारे पास दूसरा एटम हो गया। ठीक है, अगर मेरे पास बहुत सारे पैसा हो, ठीक है, तो हम गरीब को दे सकते हैं और गरीब के पास पैसे की कमी हो तो वहां से आधे घंटे का वीडियो। लेकिन अगर मेरे पास ना तो पैसे की कमी हो और ना तो पैसा मेरे पास बहुत ज्यादा हो, उस कंडीशन में तो पैसा हम किसी को देंगे और ना पैसा किसी से लेंगे। तो ऐसे नोबल कैसे कोई भी नोबल इलेक्ट्रॉन लेगा कभी बॉन्ड का फॉर्मेशन संभव है। पहला जो बॉन्ड आप देख रहे हैं आयनिक बॉन्ड, ये आयनिक बॉन्ड बनता कैसे, मान लीजिए मेरे पास ये एक एटम है, मेरे पास दूसरा एटम, इस एटम के पास इलेक्ट्रॉन है और इस एटम के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या हो सकता है, इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा इसको दे देगा। अब इस कंडीशन में ये अपना पूरा पूर्ण रूप से अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। जब कोई भी एटम पूर्ण रूप से अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है तब वहां पर फॉर्म होता है आयनिक बॉन्ड। क्या बनता है? आयनिक बॉन्ड। दिमाग में रखिएगा, अपना पूरा इलेक्ट्रॉन मतलब ये पूर्ण रूप से उसको दे दे रहा है, अपने पास रख नहीं रहा है। जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास हाइड्रोजन का एक एटम है, हाइड्रोजन के एटम में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, हमने ले लिया क्लोरीन का एटम और क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल हम बना रहे हैं, आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन वैकेंट रहता है, खाली रहता है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अपना पूर्ण रूप से अगर इसको दे देगा तो क्या बनाएगा, एच पे प्लस बनाएगा,